नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद, सीधे बंगाल की धरती खड़गपुर से लाइव। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज मैं खड़गपुर के एक पाठशाला के बाहर मौजूद हूं। क्यों हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी की पाठशाला पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, ममता दीदी की पाठशाला का कौन है मैनेजर, ममता दीदी की पाठशाला का कौन है प्रिंसिपल, ममता दीदी की पाठशाला का क्या है सिलेबस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी की पाठशाला पर कई सवाल खड़े किए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बंगाल में निर्ममता की पाठशाला। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। अपना दुआरे दुआरे रेशन पहुंचे देवे। हर चैप्टर में घोटाला ही घोटाला। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला। सिलेबस पर सनसनीखेज खुलासा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। भारत माता के आगामी निर्वाचने बीजेपी के करते होवे खाली खाली खाली। बंग की जंग के इतिहास में शनिवार का दिन सुपर बिग फाइट के रूप में दर्ज हो गया है। एक ओर पीएम मोदी ने बंगाल में टीएमसी के 10 साल के शासन को निर्ममता की पाठशाला नाम देकर चुनाव प्रचार को दिलचस्प ट्विस्ट दे दिया, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की बौखलाहट और बेचैनी पर शनि की 7.5 सवार होती दिखी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। बंग की जंग का सुपर सैटरडे। दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी। दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे कटमनी। आज के तृणमूल के तोलाबाज बोलचे धांधाबाज, कोटि कोटि टाका तोलाबाज। बीजेपी पार्टी एतो बड़ो तोलाबाज पार्टी सारा पृथ्वीते कोथाओ नेई। दरअसल टीएमसी के शासनकाल को निर्ममता की पाठशाला की जो संज्ञा मोदी ने बंगाल के खड़गपुर में दी है, उसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। हमें 5 साल का मौका दीजिए। कौन है दीदी की निर्ममता की पाठशाला का प्रिंसिपल, कौन मैनेजर है और टीचर कौन कौन है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसे आप ऐसे समझिए, निर्ममता की पाठशाला के प्रिंसिपल और डायरेक्टर खुद ममता बनर्जी है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस पाठशाला के मैनेजर यानी प्रबंधक हैं, जो कटमनी सिंडिकेट के मुखिया बताए जाते हैं। निर्ममता की पाठशाला के वाइस प्रिंसिपल हैं अनुब्रत मंडल। ये वही अनुब्रत मंडल हैं जिन्होंने बंगाल चुनाव का बचलाइन बन चुके खेला होबे का सबसे पहले प्रमोशन शुरू किया। निर्ममता की पाठशाला के एक सीनियर टीचर हैं कल्याण बनर्जी,
जिन्होंने मां सीता के हरण को यूपी के हाथरस कांड से जोड़ने में शर्म महसूस नहीं की थी। इस पाठशाला के एक टीचर हैं मदन मित्रा, जिन्होंने ये कह दिया कि भगवान परशुराम गोमांस के बिना भोजन नहीं करते थे और सीता माँ उनके लिए गोमांस बनाती थी। निर्ममता की पाठशाला की एक जूनियर टीचर हैं नुसरत जहां, जिन्हें कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बीजेपी नजर आती है। इस पाठशाला की एक और टीचर हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो ये मानती हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए खतरा है। राजनैतिक खेला खेला होवे बांग्लार छवि आपने सामने दर्जा दीदी को नहीं खेलने दिया जाएगा। ममता की इस पाठशाला में और भी बहुत से टीचर प्रबंधक थे, लेकिन शायद उन्हें पाठशाला के तौर तरीके ठीक नहीं लगे या फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल की तानाशाही नागवार गुजरी, लिहाजा चुनाव से पहले उन्होंने पाठशाला के अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्हीं में से एक है सुवेंदु अधिकारी, जो बंगाल की जंग में अपने पूर्व प्रिंसिपल को रिगिंग यानी चुनावी धांधली का क्वीन बता रहे हैं। रिगिंग की क्वीन बोल गई है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सुवेंदु अधिकारी निर्ममता की पाठशाला की अपनी पूर्व प्रिंसिपल को रिगिंग क्वीन बता रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पाठशाला को इस बार नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी बंगाल में असली परिवर्तन की बयार बहा रहे हैं। जिस खेला होवे का प्रमोशन दीदी की पाठशाला के सीनियर टीचर अनुव्रत मंडल ने किया है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। मोदी उस खेला के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करने की बात कह रहे हैं। दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। एक ही उद्योग चलने दिया गया है। मोदी ने खड़गपुर में खेला शेष होवे का नारा दिया, तो पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में दीदी का पारा कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। टांग में चोट होने की वजह से दीदी व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, इसलिए मंच पर भाग दौड़ मुमकिन नहीं है। पैर लाचार है, इसलिए दीदी के हाथों की जुम्बिश काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए ममता के हाथों की बेचैनी पर जरा आप गौर फरमाइए। নরেন্দ্র মোদী সব বন্ধ করে দিয়েছে, শুধু বাংলায় চালু আছে, তার কারণ বাংলা চালু থাকবে, বাংলায় বিজেপিকে আমরা ঢুকতে দেব না। মনে রাখবেন, বাংলায় বিজেপি আসবে না, বাংলায় বিজেপি থাকবে না। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। সব বন্ধ করে দে। আরে দিদি, ए भगवान, खेला होवे। इसमें कोई शक नहीं कि 10 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी की तोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी की पाठशाला काफी फलती फूलती रही। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ने इस पाठशाला पर लगने वाले ताले को बनाने का ऑर्डर बंगाल की जनता को दे दिया है। कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। यही वजह है कि ममता की बेचैनी, बेकरारी काफी बढ़ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो चंडी पाठ करें या कलमा पढ़ें। नारायणी नमस्तुते, जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्।
দুর্গাশিবা ক্ষমাধাত্রী সাহা সাধা নমস্তুতে। ব্যুরো রিপোর্ট, জি মিডিয়া। मैं सरफराज सैफी बंगाल में मौजूद हूं, बंगाल की धरती से लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा भी कर रहा हूं। ममता दीदी के सिलेबस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उस सिलेबस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं सरफराज सैफी आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर में आए और ममता दीदी की पाठशाला पर कई सवाल खड़े किए, कई तीखे हमले बोले। आखिर क्या है ये हमले, क्या है ये सवाल, हम आपको दिखाते हैं। कोई भी काम उसमें कटमनी लिया जाता है, नौकरी में भी कटमनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या देवी सर्वभूतेषु मत्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। बंगाल में निर्ममता की पाठशाला का पाठ्यक्रम क्या है? दीदी पाठशाला दे सिलेबस होचे तोलाबाजी। दीदी की किताब में कटबनी भाईपो का नियम क्या है? दीदी पाठशाला दे सिलेबस होचे कटमनी। टीएमसी के शासन में जारी तुष्टिकरण का खेला क्या है? ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्यत्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंगाल में कटबनी कल्चर क्यों पनपा? तोलाबाजी का जाल क्यों फैला? भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का तंत्र कैसे विकसित हुआ? क्या इसके लिए दीदी ने बंगाल में कुशासन की पाठशाला खोली है? क्या ममता सरकार के सिलेबस में ही छल कपट और धोखा है? अब पढ़ाई कमाई खड़गपुर में आज पीएम मोदी ने निर्ममता की जिस पाठशाला का जिक्र किया, 10 साल के कुशासन काल के जिस सिलेबस का कच्चा चिट्ठा खोला, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल बंगाल और विकास के बीच खड़ी दीवार को लेकर है, सवाल बंगाल में फैले भ्रष्ट तंत्र को लेकर है। आज हम आपको दीदी की पाठशाला का पूरा सिलेबस बताएंगे और कटमनी कल्चर का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने दीदी के सिलेबस पर क्या कहा। दीदी पाठशाला ते सिलेबस होचे तोलाबाजी। दीदी पाठशाला ते सिलेबस होचे कटमनी। दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होचे सिंडिकेट। आइए अब आपको दीदी की पाठशाला का पूरा पाठ्यक्रम समझाते हैं। इसके चैप्टर हैं तुष्टिकरण, कटमनी, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, गुंडागर्दी, राजनीतिक हत्याएं, तस्करी, कुशासन। एक टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते, और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। बंगाल में सिग्नल विंडो है, भाईपो विंडो। आज भ्रष्टाचार की स्थिति हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए भी कटमनी देना पड़ता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण करते रहना, यही इनका खेल चला। पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप यूं ही नहीं लगाते हैं। ममता ने बंगाल में कैसे तुष्टिकरण से सत्ता का समीकरण बिठाया है, ये आप खुद देख लीजिए। मुस्लिम वोट की खातिर दुर्गा मूर्ति का विसर्जन रोक देती हैं और मुहर्रम के जुलूस को खुली छूट दे देती हैं। मस्जिदों के इमामों को 2500 रुपए महीना भत्ता देती हैं। मदरसों में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों को साइकिल देती हैं। मुस्लिम बहुल जिलों में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देती हैं। मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देती हैं। हिंदू जातियों के साथ धोखा करती हैं।
जय श्री राम से चिढ़ जाती हैं और मजार मदरसा जाकर वक्त बिताती हैं, चुनावी रैलियों में कलमा पढ़ती हैं और चंडी पाठ करती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या देवी सर्वभूतेषु मत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दीदी के सिलेबस का दूसरा चैप्टर है कटबनी। बंगाल में टीएमसी राज में कटबनी एक कल्चर बन चुका है। कोई भी सरकारी काम करवाना हो, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो कटबनी देनी ही होगी। यहाँ हर काम और योजना का रेट तय है। बंगाल में अगर कटबनी नहीं दोगे तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शौचालय बनवाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए तो 2,000 कटबनी दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर चाहिए तो कटबनी दो। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो तो कटबनी दो। कोई भी काम हो उसमें कटमनी लिया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट में 200 रुपया का कटमनी लेते हैं यहाँ का काउंसिलर लोग। यहाँ का काउंसिलर लोग गरीबों के लिए अगर शौचालय बनाते हैं, वहाँ अगर 10,000 का शौचालय है तो 5,000, 2,000, 4,000 मांगते हैं। दीदी की पाठशाला के पाठ्यक्रम में भ्रष्टाचार तो सबसे अहम चैप्टर है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट तंत्र का ऐसा जाल बिछाया है कि हर तरफ लूट मार मची है। कोयला खदानों से अवैध खनन केस में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी और साली तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। शारदा चिट फंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता घोटाले में फंसे हैं। बंगाल में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। अवैध तस्करी के मामले में भी अभिषेक बैनर्जी निशाने पर हैं। एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए ताकि कारोबारी को, उद्यमी को यहां वहां भटकना ना पड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में सिंगल विंडो है, बाइपो विंडो। तोलाबाजी भी दीदी के सिलेबस का अहम चैप्टर है। तोलाबाजी मतलब कम तोलना यानी चोरी करना। ममता बनर्जी ने आज खुद बताया कि तोलाबाजी क्या होती है। टाका छोड़ा दे मोने रखबेन, टाका छोड़ा ले बुझबेन, ओटा अपना टाका, ओटा जनगणेर ट्याक्सेर टाका, ओटा बीजेपीर टाका नय। जनगणके धोखा दिए, जनगणके बोका बानिए लक्ष लक्ष कोटी टाकार मालिक हुए আজকে তৃণমূলকে তোলাবাজ বলছে, ধান্দাবাজ, কোটি কোটি টাকার তোলাবাজ বিজেপি পার্টি। এত বড় তোলাবাজ পার্টি সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। दीदी की सियासी किताब का अहम चैप्टर है गुंडागर्दी और राजनीतिक हत्याएं। बंगाल में ममता सरकार में ऐसा गुंडा तंत्र विकसित हुआ है कि लाठी और बम बंदूक के दम पर सत्ता हथियाने का खेल जारी है। बंगाल में साल 2018 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। सत्ता के लिए सैकड़ों लोगों की जान ले ली गई। टीएमसी के गुंडों के खौफ से एक तिहाई सीटों पर विपक्षी उम्मीदवार खड़े ही नहीं हुए। 2019 से लेकर अब तक 130 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी जानलेवा हमला किया गया था। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। टीएमसी राज में बंगाल कुशासन की मार झेलने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन सत्ता के अराजक तंत्र और टीएमसी के गुंडा तंत्रों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। हर रोज गुंडागर्दी होती है, बम बंदूक से हमले होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पीएम मोदी ने दीदी के कुशासन पर जोरदार हमला बोला है। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया, आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। बंगाल में ममता दीदी इसी सियासी पाठ्यक्रम के भरोसे सत्ता का खेला खेल रही हैं। उनके भ्रष्ट तंत्र और चुनावी षड्यंत्र से आम आदमी त्रस्त हो चुका है। यही वजह है कि परिवर्तन की आवाज बुलंद है। श्री राम।
जय श्री राम की गूंज है और सत्ता बचाने के लिए दीदी मंदिर मंदिर घूम रही हैं, दुर्गा पाठ और कलमा पाठ एक साथ कर रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंकी जंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर से बंगाल की धरती और बीजेपी का मिलान कर दिया। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ममता दीदी पर कई तीखे वार भी किए, कई सवाल भी किए। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता दीदी के पास इस वक्त कोई मुद्दे नहीं है, ये बीजेपी का दावा है। ममता दीदी के पास सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें बहुत ज्यादा मशहूर हैं, एक टोलाबाजी, दूसरा तुष्टिकरण और तीसरा कटमनी। इन मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर ममता दीदी को घेरा है। मोदी 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 सब एक्शन है। मोदी 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 चाइना दुष्टिकरण, चाइना 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 दुष्टिकरण, चाइना जय श्री राम, जय दीदी के बाहरी खेला पर मोदी प्रहार। बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी के डीएनए में बंगाल बसता है। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार विचार व्यवहार और संस्कार है। जनसंघ के जनक बंगाल के सपूत थे। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। ममता दीदी के पास बंगाल जीतने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। कभी वो चोट का खेला करती हैं तो कभी कहती हैं खेला हो बे। ना वो विकास की बात करती हैं और ना ही रोजगार की। कभी कहती हैं खेला हो बे तो कभी पीएम मोदी को मीर जाफर और दुशासन बोल देती हैं। पीएम मोदी ने आज खड़गपुर में दीदी को करारा जवाब दिया और साफ किया कि बंगाल में मिनी हिंदुस्तान बसता है और बीजेपी के डीएनए में बंगाल है। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे, इसलिए अगर यहाँ सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार विचार व्यवहार और संस्कार है। ममता बनर्जी अब तक दिल्ली वाले नेता बोलती थी, लेकिन अब वो अपने भाषण में बार बार मीर जाफर का नाम ले रही हैं। लेकिन जी हिंदुस्तान की टीम आज बैरकपुर के ऐसे मोहल्ले में पहुंची जहां मिनी इंडिया बसता है, जहां पूरे देश से आए लोग रहते हैं। दो मई दीदी गई, दो मई दीदी गई। अरे दीदी बोल रही है खेला होवे बीजेपी बोलचे कर्म होवे चाकरी होवे विकास होवे। दीदी गेलो, मोदी एलो। सब यहाँ यूपी बिहार बोलिए, उड़ीसा बोलिए, मद्रास बोलिए, चेन्नई बोलिए, सब जगह से यहाँ सबको यहाँ पे रहता। तो कभी इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है, कभी कोई फीलिंग नहीं है, कभी कोई फीलिंग नहीं है। ममता बनर्जी बंगाली बनाम बाहरी करती हैं, जबकि केंद्र सरकार जो भी योजना लागू करती है वो पूरे देश के लिए होती है। केंद्र सरकार बंगाल या बिहार में बंटवारा नहीं करती, हिंदू मुस्लिम में हिस्सेदारी नहीं करती, लेकिन दीदी हैं कि तुष्टिकरण और क्षेत्रवाद की राजनीति से कुर्सी तक पहुंचने का छल कर रही हैं। हम लोग सभी यही के ही हैं। ये तो नहीं है कि हम लोग फॉरेनर हैं, यही से यही पे ना है नागरिकता सबकी एक ही है ना। बेटी होने के बाद ना बहू बनता है कहीं जाकर, लेकिन बेटी तो हम लोग भी है बंगाल का।
टीएमसी ने बंगाली बनाम बाहरी का जो मुद्दा उठाया है उसमें बंगाल की जनता का एक तबका फंस भी गया है, लेकिन बहुत लोग हैं जो चुनाव में पार्टियों की जुमलेबाजी नहीं बल्कि असल मुद्दों पर अपना फैसला करेंगे। खेला तो हो रहा है, सब टीमें ही खेला हो रहा है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके कोई गारंटी नहीं दे रहा। नहीं, कोई गारंटी नहीं देख पाएंगे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है खेला होबे, कौन सा खेला होबे, तो इतना दिन क्या कोई खेल नहीं खेला क्या। बंगाल चुनाव में टीएमसी का बाहरी बना बंगाली खेला बेनकाब हो चुका है। बंगाल की जनता दीदी का वोट खेला समझ चुकी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी नेताओं पर तंज कस रही हैं। उन्हें दंगाई, बलात्कारी और हत्यारे कहने से भी गुरेज नहीं कर रही। सवाल यह है कि दीदी कुर्सी के लिए कहां तक गिरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये था आज का राष्ट्रवाद, सीधे बंगाल की धरती खड़गपुर से लाइव। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी दूसरे शहर में, लेकिन जाते जाते आपसे एक वादा, अब से थोड़ी देर के बाद मैं जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर लाइव रहूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर लाइव।